श्री गुरु जंबेश्वर भगवान की असीम कृपा से इस पवित्र धरती सरमंडी ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच हनुमान राम जी निर्वाचित होने पर आप सबको सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हनुमान जी के निर्वाचन के बाद गुरु महाराज के नाम से इस पवित्र स्थल पर जहां आपके कुल के पूर्वजन है, पूर्वजों के समय में अन्याय को न्याय में लाने के लिए संघर्ष करते हुए शहादत दिए, ऐसी पवित्र धरती पर गुरु महाराज के नाम से भजन संध्या का आपने आयोजन किया है। समस्त ग्रामवासी बहुत बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र, स्वागत के पात्र। इस भजन संध्या में हमारे बीच हमारे समाज के अपनी मधुर वाणी से हम सब लोगों को परम पूजनीय सरदे स्वामी सच्चानंद जी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, संत समाज के चरणों में नमन करते हुए इस अवसर पर उपस्थित हमारे जोधपुर मंडी के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर जिले के अध्यक्ष आदरणीय जगराम जी सर, यहां पर उपस्थित हमारे रामपाल जी भवत और यहां पर उपस्थित अपने पास की पड़ोस की पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच बुधाराम जी और पूर्व सरपंच पूनाराम जी, चुत्राराम जी अध्यक्ष, बरबल राम जी और उपस्थित मेरे युवा साथी भाई अशोक और उपस्थित मात्र शक्ति युवा शक्ति, मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आज जो खुशी और हर्ष का उल्लास का दिन है, हनुमानाराम जी जो इस पंचायत में 36 कैंप के लोगों का आशीर्वाद मिलने के कारण जो विजयी हुए हैं, मैं आप सब ग्रामवासियों को मेरी ओर से बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में इस लोकतंत्र में विजय उन लोगों की होती है जो मन में भगवान के प्रति, इनकी विजय होते ही इन्होंने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए विजय होने के बाद लोग या तो कोई जिस तरह से हम देखते हैं डीजे पे डांस करते हैं या गाना गाते हैं, इन्होंने आकर के धर्म के प्रति ध्यान रखते हुए गुरु महाराज की भजन संध्या का आयोजन किया है। ये अपने आप में आपके लिए बहुत पवित्र दिन है। मैं बहुत बधाई देता हूं हनुमान राम जी को और बधाई देता हूं समस्त ग्रामवासियों को। वास्तव में आपका हनुमान जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जीत एक की होती है, जीतने के बाद सभी 36 कौम के इस सरमंडी गांव के विकास के लिए जिस तरह से आप 10 तारीख को कल के दिन आपका वोट मतदान का दिन था, वो दिन हमेशा के लिए मन में याद रखते हुए 10 तारीख आपके लिए कैसी परीक्षा थी, वो परीक्षा का दिन 5 साल अपने मन में रखेंगे कि हमेशा के लिए जो 10 तारीख का मेरे को परिणाम मिला, 10 तारीख को मैंने जो मेहनत की, 10 तारीख को गांव के लोगों के सामने झुक करके किस तरह से मतदान के लिए मैंने अपील की, वो दिन हमेशा मेरे 5 साल में रहे। ये गुरु महाराज से आप हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अपने आप कोई भी व्यक्ति यदि मतदान के दिन को, हम लोग भी काम करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उस दिन को नहीं भूलते हैं तो इस दुनिया में कोई किसी को पीछे रखने में कभी भी नहीं रह सकता है। भगवान की हमेशा आप पे कृपा रहती है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में ये सरमंडी जगराम जी, आपको बधाई इस बात का देता हूं कि सरमंडी पहले पिछले पहला
शर्मंडी का पहला सरपंच इनसे पहला हुआ है, दूसरा इनको मिला है। आपने शर्मंडी खाबड़ा से अलग पंचायत बना करके शर्मंडी को अपने आप में अलग गांव का हक दे करके जो काम किया है, तो आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं कि आज शर्मंडी का यदि हमारी अलग पंचायत होने के कारण हनुमान जी को सरपंच बनने का जो मौका मिला है, अपने आप में अपनी अलग पंचायत, ये वास्तव में मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले मैं चौधरी लादूराम जी से कह रहा था, जैसे ही गुरुजी नहीं आए थे, गुरुजी हम पहले आ गए आपसे, तो यहाँ आते ही आपसे पहले एक भजन हमने और सुन लिया था। वो तो उस समय भजन सुना के गोदारा को डंको बजे, गोदारा उन्नीस सब 36 कौम को बजे, डंको सब गांव और समाज को बजे, कोई नहीं आपने गोदारा को डंको माना साहब, गोदारा को ठेठ पहली बाजे, जरूर गोदारा को डंको है, लेकिन जरूर आप सबका ध्यान रखते हुए सरपंच बनने के बाद कोई जाति नहीं, सरपंच बनने के बाद उनकी जाति समस्त गांव के विकास में, समस्त गांव शर्मंडी मेरा भाई और मेरे माता पिता। मैं तो हनुमान जी से कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपके माता पिता ने गोदारा जाति ने, लादू जी जो कह रहे थे उस गोत्र में तो आपने जन्म लिया, लेकिन सरपंच की गोत्र में जन्म गांव के 36 कौम के इन मतदाताओं ने दिया है, ये हमारे माइक सरपंच के लिए समस्त मतदाता हमारे माइक के समान है, हमेशा माइक की तरह इनका सम्मान रखते हुए, इनका आदर रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए इस गांव को विकास के दृष्टि में आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे, ऐसे आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इस पवित्र भजन की संध्या में गुरुजी से बीच में ज्यादा समय नहीं लेकर के, वास्तव में शर्मंडी गुरुजी, शर्मंडी हम सब के लिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इस मेरी भी जीवन में पहली सफलता की यदि मंजिल कहीं से पाई है तो वो आपकी इस पवित्र धरती शर्मंडी से पाई है। एक रूपता से मेरा शर्मंडी ने हमेशा सहयोग किया है, मैं आपको अपने आप में नतमस्तक होके प्रणाम करता हूँ। मेरे लवाउट प्रधान बनने का यदि कोई मौका मिला है तो शर्मंडी की बदौलत मिला है। मैंने शर्मंडी के लोगों ने मुझे चाहे गुरुजम्बेश्वर मंदिर में, चाहे ओसिया में, चाहे जिला परिषद में, हर क्षेत्र में काम करने का जो अवसर मिला था वो शर्मंडी के लोगों की पहल से मिला था। मैं आपके बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हमेशा आपके दिमाग में एक ही रखता हूँ कि शर्मंडी के लोगों ने जिस तरह से मेरा सहयोग किया था, मैं जीवन भर आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कहीं भी काम करता हूँ, लेकिन शर्मंडी का जहाँ नाम आता है अपने आप में ऊपर उठ करके शर्मंडी के साथ रह करके काम करने का हमेशा हमेशा जज्बा रखता हूँ। चाहे हमारे जगराम जी हमेशा एक बड़े भाई के रूप में साथ रख करके काम करते हैं, इनके हमेशा मैं आदर और सम्मान के लिए हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी आज के दिन में सबसे ज्यादा कोई पवित्र है तो धर्म है, आप भी धर्म के आधार पर भजन संध्या को सुन करके अपने जीवन में पवित्रता और धर्म को ध्यान रखते हुए हमेशा अपने धर्म को ऊपर विचार रखते हुए, दुनिया में सबसे सर्वोपरि है तो अपना धर्म है, इस दुनिया में सबसे सर्वोपरि धर्म है तो विष्णुई का धर्म है, विष्णुई के घर हमने जन्म लिया है, इससे पवित्र हमारे दुनिया में कोई भाग्य नहीं हो सकता है। विष्णुई के घर वही जन्म ले सकता है जो पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, वो विष्णुई के घर जन्म लेता है। विष्णुई के पवित्र कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म से पहले सोचने की जरूरत है कि हम कर्म से विष्णुई है कि नहीं है, कर्म से भी विष्णुई रह करके दूसरे समाज के लोगों के साथ ये बताने की जरूरत है। विष्णुई वो थे जिन्होंने जिस तरह से अभी कह रहे थे कि मनोहर राम जी गोदारा ने जो शहादत दी है, हम उनके वंशज है, माँ अमृता देवी के वंशज है, हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी है। हमेशा यह ध्यान रखते हुए गुरु महाराज के धर्म को ध्यान रखते हुए अपने आप में अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम करेंगे। पुनः आप सब लोगों को विशेष तौर से हनुमान जी आपकी जीत का श्रेय तो ये युवाओं का है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि युवाओं को उनकी बदौलत आज की जीत
कहीं भी होती है, सबसे पहले कोई काम में आगे बढ़ाने का काम करते हैं वो युवा करते हैं। आप इन युवाओं का ध्यान हमेशा रखते हुए, अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह इन पे स्नेह रखते हुए आप पूरा ध्यान रखेंगे। पुनः आपसे निवेदन करते हुए आप समस्त ग्रामवासियों को इस बात का धन्यवाद देते हुए कि आपने इस पवित्र अवसर पर जो ये अवसर दिया है वो आप समस्त इस अवसर के भागीदार हैं। आप सबको बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए पुनः गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए आप हमेशा अपने मधुर वाणी से अच्छी भजन संध्या को, समाज को आगे बढ़ाने का काम, धर्म को आगे बढ़ाने का काम, सही संस्कार से सही आगे बढ़ाने का काम हमेशा गुरु महाराज की आप पे कृपा बनी रहे और आप अच्छे भजनों से हम सब लोगों को लाभान्वित करते रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।